कि उन्होंने भागवत के कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया, न केवल हम लोगों को बुलाया बल्कि जनता को भी पूजा शास्त्री को सुनने का मौका मिला है। सबसे अच्छी बात यह ग्रामीण क्षेत्र में लगातार इस तरह के आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, इससे हमारा समाज जुड़ता है और जो हमारे धर्म की अच्छी बातें हैं वो उन तक पहुंचती हैं, ना कि वो जो भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहती है। ये पार्लियामेंट में अडानी को जांच को लेकर विपक्ष एक बात होके ईडी और सीबीआई पे भी आरोप लगा रही है कि सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। देखिए, लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसलिए सरकार की है कि विपक्ष की लोकतंत्र में भूमिका ये कि सवाल करे, उनसे जवाब मांगे। ये जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? और अगर ये बात कह रहे हैं कि विदेश में कोई बार लोकतंत्र को लेकर के कही गई है, आपके ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा में संविधान में जो हमारे प्रेम्बल में लिखा है समाजवादी देश बने, समाजवादी विचारधारा से देश प्रदेश चले, उसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने वो कहा जो इंग्लैंड की एक प्रधानमंत्री ने कभी अंग्रेजी में भाषण दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इंग्लैंड की प्रधानमंत्री की अंग्रेजी की, ये बीजेपी सच नहीं सुनना चाहती। अगर कोई लोकतंत्र में और खासकर हमारा पत्रकार भाई अगर कोई खबर सही चलाना चाहेगा तो बीजेपी के लोग प्रशासन के इशारा कर देंगे कि इसको जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो, हत्या हो जाएगी, हत्या कर देंगे, लेकिन धारा 302 नहीं लगेगी और जिसने कुछ नहीं किया होगा उसे मारपीट से लेकर के गंभीर धाराएं लगा देंगे। क्या जो संभल में पत्रकार था मंच में मारपीट की थी, वो सब देखा है सबने, उस पर मंच की मारपीट की धारा लगा के जेल भेज दिया। भैया दो दिन से दौरा है आपका कलकत्ता में, दिक्कत हो रही है सपा के लोगों को, किसने कहा है? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, देखिए हमारे मंदिर में बनना है, हमारे लोग राम लोगों को राम भक्तों को लिए मरवाना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है। ममता जी से मिल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है, उम्मीद क्या करोगे उनसे? आपने कहा था कि धन पे अब कोई बात नहीं होगी, आपकी तरफ से केवल आप पार्टी तरफ से आपकी केवल बयान नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं अभी जानकारी करूंगा क्या नया बोला है उन्होंने। ममता जी से मिल रहे हैं आप सर, अध्यक्ष जी ममता जी से मिल रहे हैं गठबंधन, मैं जानकारी करूंगा क्या नया बोला है। रामचरितमानस को दलित महिलाओं के खिलाफ बताया। देखिए ये बहस लंबी है और ये मैंने कई बार कहा, विधानसभा में भी कहा कि 5000 साल से ज्यादा की लंबी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई अब हम लोग जीतने के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए बीजेपी को परेशानी है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री जी अपने बगल में एक शूद्र को रखते हैं और उससे बुलवाते हैं। भैया क्या माना जाए कि आप ये पूछिए क्या वो शूद्र हैं कि नहीं है? भैया क्या माना जाए, कलकत्ता में दो दिन से चुनाव आ रहा है, कल आप ममता जी से मिल रहे हैं गठबंधन की मीटिंग, बीजेपी पहले से ही घबराई हुई है कि ये मैनपुरी मॉडल क्या है। अब वो हो सकता है मैनपुरी घूम रहे हो, रिसर्च कर रहे हो कि मैनपुरी में कैसे बीजेपी इतना बुरा हारी है। मैनपुरी में जिला अधिकारियों को जो रामचरित मानव भागवत के लिए पैसा दिया जा रहा है, क्या लगता है 2024 में आ रहा है फिर ये? मैं पत्रकार साथियों आपके माध्यम से और अपने संगठन के लोगों से कहूंगा, आलोक साकी जी से, कि जिलाधिकारी से पूछें कि आयोजन कहाँ होगा जिसमें हम लोग भी सब शामिल हों, जाके कम से कम जिलाधिकारी बताएं कि प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो हम लोग सब जाएंगे प्रसाद ले के आएंगे, क्योंकि सरकार का पैसा जनता का पैसा और जनता के पैसे से आयोजन हो रहा है तो हमारा आपका कार्यक्रम है। प्रदेश सरकार ने ये भी कहा कि हर मंदिर पे रामचरितमानस पाठ कराएंगे, तो अच्छी बात है, हम लोग सब शामिल होंगे, प्रसाद दीजिए उसके लिए, लेकिन 1 लाख रुपए थोड़ी हो पाएगा, इससे पहले क्यों नहीं आता? एक एक गांव में 10-10, 15-15 मंदिर है, 20 भी है, किसको सरकार ने? नहीं कोई बात नहीं, सरकार को जब याद आया तब मानेंगे, जब आंख खुले तब सवेरा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम लोग रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, ये लोग हज हाउस बनवाते हैं, सफाई महोत्सव, ये बीजेपी वाले। अच्छा ये हमारे बोर्ड सिंह जी हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हर साल कराते हैं, वो आते ही नहीं है, अगली बार योगी जी को बुलाना आप, तब ये मानेंगे बात कि हाँ आप हर साल मनाते हो।